हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रेरणा क्रिएशन गाइस कैसे हैं आप लोग मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे तो गाइस मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्यूट सा सॉफ्ट टॉय ये है हमारी क्यूट सी डॉल्फिन ये देखिए मेरे को पीछे होना पड़ रहा है कैमरे में भी नहीं आ रही है क्योंकि इसलिए बहुत बड़ा साइज है डॉल्फिन का ये करीबन तीन फिट की डॉल्फिन है आप लोग देख सकते हैं इसका माउथ देखिए कितनी प्यारी लग रही है गाइस देख सकते हैं हम लोग और कितनी क्यूट लग रही है मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है ये वाली डॉल्फिन और आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा ये देखिए आप लोग देख सकते हैं और ये तीन फीट की डॉल्फिन है गाइस आप इस तरीके से आप पिलो के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं पिलो की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही प्यारी लगती है मैंने इसे स्काई कलर में बनाया है आप इस जगह ब्लू कलर यूज कर सकते हैं ग्रे कलर भी यूज कर सकते हैं पिंक कलर भी यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप माउथ बनाएंगे तो ये लाइट सा कलर होता है यानी माउथ के लिए पिंक आपको ये यूज करना पड़ेगा वैसे अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं मुझे काफी अच्छी लगी है डॉल्फिन मुझे बहुत बहुत, बहुत ज्यादा पसंद आई है और गाइज इसका जो पैटर्न है पैटर्न का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ फाइल मिलेगी उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और गाइज उसमें जैसे ये जैसे ये काफी बड़े पार्ट है आप लोग देख सकते हैं तो ये ए साइज पेपर में नहीं आएगा तो इसका जो uh, मैं आपको दे दूंगी वैसे तो लेकिन इसका जो साइज है उसका मैं इंच या सेंटीमीटर एंड लेंथ मैं आपको टोटली totally ही लिख दूंगी उसके अंदर कि आपको इसकी जो लेंथ है वो कितनी मतलब रखवानी है उसके अकॉर्डिंग आप अगर आपको आता हो अगर आप जानते हो बड़े साइज में निकलवाना तो आप निकलवा सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि हम कैसे निकलवाएं तो गाइज को अगर पेपर पैटर्न ही चाहिए पूरा कि इसके साइज का ही आपको पेपर पैटर्न चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपको बाय कोरियर भेज दूंगी ये जो पैटर्न है उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा और बाय कोरियर मैं इसका आपको पैटर्न भेज दूंगी और अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ फाइल इसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विदाउट एनी चार्ज कोई भी चार्ज नहीं है बिल्कुल फ्री मिलेगा आ, इसके लिए आपको ये डॉल्फिन कैसे मुझे कमेंट भी कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग से सॉफ्ट मैं अपने YouTube चैनल पे लेके आती रहती हूँ आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके मेरे गाइस आप इस साइड देख सकते हैं कॉर्नर में मैंने हैंगिंग बास्केट वेयर टेडीवेर लगाया हुआ है इसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फ्री पैटर्न है कोई भी पैटर्न चार्जेबल नहीं है इसका तो आप बिल्कुल फ्री बना सकते हैं इस तरीके से और अभी हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अभी हम स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो को लेस्ट दिस वीडियो ये देखिए फ्रेंड्स भी ये व्हाइट कलर का जो मैंने कपड़ा लिया है इस पर मैं मार्किंग कर लूंगी आप लोग देख सकते हैं कैसे मैं मार्क कर रही हूँ एक्चुअली ये काफी बड़ा साइज है इसलिए मैंने इसे न्यूज़पेपर पे कट किया है इस तरीके से हम इसको मार्क कर लेंगे अच्छे से आप लोग देख सकते हैं ये जो पार्ट है वो मैं वाइट कलर में कट करूँगी इसलिए मैंने इसे वाइट कलर में मार्क किया है आप अच्छे से पहले आ, कपड़े को नीचे या कहीं भी रख कर आप अच्छे आराम से रख कर और फिर मार्किंग कीजिएगा आपको वैसे नज़र नहीं आ रहा होगा कैमरे में बट मैंने इसको अच्छे से मार्क कर लिया डार्क कलर से अगर हम मार्क करते हैं तो वाइट कलर में वो शो होता है इसलिए मैंने इसे लाइट से मार्क किया है अभी ये जो नीचे का पार्ट होती है इनकी फिश की टेल होती है जो ये वो पार्ट है इसी भी मैं अच्छे से मार्किंग कर लूंगी कपड़े पे इसी तरीके से गाइस हमने सभी को मार्क कर लेना है कपड़े पे जितने भी पैटर्न हैं इस तरीके से मैं जैसे स्काई कलर में बना रही हूँ तो जो स्काई कलर में पार्ट मार्क करने हैं वो स्काई कलर में कर लूँगी जो वाइट कलर में कटने हैं वो वाइट में सभी हम मार्क करके कट कर लेंगे ये देखिए गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पार्ट को कट कर, कर लिया है ये जो स्काई कलर का पार्ट है ऊपर का पार्ट है डॉल्फिन का ऊपर का हिस्सा है इसे हमने सीधा सीधा स्टिच कर लेना है यहाँ से लेके पूरा गोल करते हुए सीधा स्टिचिंग करनी है आपने सीधा सीधा देखिए आप लोग देख सकते हैं गाइस अभी ये जो वाइट कलर का जो साइड पार्ट है हमने वाइट कलर में कट किया ये भी इस पोर्शन के अंदर आपने स्टिचिंग कर देना है आप लोग देख सकते हैं ये जो साइड्स रखी हुई है इसमें हमने वाइट को स्टिच करना है ये देखिए गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो वाइट वाला पार्ट है वो भी हमने स्टिचिंग कर लिया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर गोलाई से हमने पूरा स्टिच कर दिया है ये जो पीछे का जो पार्ट है फिश का डॉल्फिन का सॉरी डॉल्फिन का जो पार्ट है उसके जो हमने टेल कट की थी एक हमने वाइट कलर में टेल कट की है और एक हमने स्काई कलर में टेल कट की है आप लोग देख सकते हैं इस तरह से सीधा सीधा हम इसको स्टिचिंग करेंगे पीछे से ये देखिए आप लोग देख सकते हैं पूरा सीधा सीधा इस तरीके से आपने इसको टेल को स्टिच कर देना है पीछे से ये देखिए आप लोग देख सकते हैं और इसी तरीके से जो फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट को कट किया था सॉरी स्टिच किया था हमने स्काई कलर के दोनों पार्ट को उसका जो आगे की तरफ हमने माउथ को अटैच कर देना है जो कि हमने आ, लाइट आ, ये देखिए स्काई कलर में हमने स्काई में ही कट किया है इसे इसको हमने स्टिच कर देना है इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ये जो जॉइंट जो है वो सेंटर में आना चाहिए माउथ के इस तरीके से आपने इसे स्टिच करना है यहाँ से लेके यहाँ तक अभी गाइज आपने क्या करना है ये जो नीचे का पार्ट है वाइट कलर का जो पार्ट है नीचे का डॉल्फिन का ये सीधा सीधा पार्ट है गाइज इसको आपने नीचे की तरफ जो टेल हमने वाइट कलर में कट की थी उसको आपने स्टिचिंग कर देना ऐसे जैसे हमने स्काई क, जो ब्लू कलर के पार्ट में हमने की थी के पार्ट में वैसे हमने इसे भी स्टिच कर देना है देख सकते हैं आप अभी गाइज हमने क्या करना है इसके जो ये देखें गाइज ये डॉल्फिन के जो विंग्स हैं इसको हमने स्टिचिंग कर लेना है इस तरीके से एक वाइट एक स्काई कलर में ये वाला पार्ट यहाँ से घुमाते स्टिच करना है नीचे वाला पोर्शन हमने ओपन छोड़ना है और ये स्काई कलर में ही कट किया है तो इसे इस तरीके से स्टिच करना है ये देखिए गाइज आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर का पार्ट है डॉल्फिन का आप लोग देख सकते हैं ये देखिए फ्रंट भी हमने माउथ को स्टिच कर दिया है और पीछे को भी हमने टेल को स्टिचिंग कर दिया है देख सकते हैं गाइज आप लोग और ये जो विंग्स हमने स्टिचिंग किए थे आप लोग देख सकते हैं इनको हम सीधा कर लेंगे ये देखिए ये विंग्स हैं डोल्फिन के अभी हम इसको सीधा कर लेंगे अच्छे से आप लोग देख सकते हैं अभी इसमें हमने क्या करना है गाइस फाइबर आपने हल्की हल्की डालनी है ज्यादा नहीं डालनी है इसके अंदर बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी फाइबर आप डालोगे इसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही हल्की सी डालनी है यानी कि इसका थोड़ा सा लुक आ जाए बस उतनी सी ही आपने इसमें फाइबर डालनी है ज़्यादा नहीं डालनी है ये देखिए इसी तरीके से हमने तीनों विंग्स में इस तरीके से लगा देने हैं यानी कि फाइबर डाल देनी है इस तरीके से तीनों में ये देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों फाइबर डाल दिए अच्छे से ये देखिए ये जो गाइस जो ऊपर की बॉडी है डॉल्फिन की आप लोग देख सकते हैं और ये नीचे का वाइट पोर्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसके जो डॉल्फिन के विंग्स हैं यानि कि पंख होते हैं जो डॉल्फिन के ये देखिए इस तरीके से हमने लगाना है स्काई वाला पार्ट है वो हमने ऊपर की तरफ रख रखना है और वाइट वाला है वो पार्ट हमने नीचे की तरफ रखना है थोड़ा सा गैप रख के आपने वाइट वाले पोर्शन पे थोड़ा सा गैप रखना है दो से तीन इंच का उसके बाद आपने इस तरीके से विंग्स लगाने और इसी तरीके से उसके अपने ऊपर की तरफ से भी इसी तरीके से विंग को लगा देना है ऊपर की तरफ अभी अपने गाइस क्या करना है ये जो नीचे वाला पोर्शन है आप लोग देख सकते हैं वाइट वाला इसको आपने बिल्कुल सीधा सीधा ही स्टिच करना है ये देखिए आप लोग देख सकते हैं गाइस ये जो स्काई कलर का आप लोग देख सकते हैं विंग्स हमारे स्टिच हो चुके हैं और अभी हमने क्या करना है आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको विंग्स को अंदर की तरफ करते हुए गाइज आपने ये देखिए इस तरीके से आपने इसको स्टिचिंग करना है पूरा देखिए इस तरीके से आपने पूरा स्टिच करना है ऊपर से लेके साइड तक खासा साइड से आप कहीं से भी खुला छोड़ सकते हैं स्टिचिंग के लिए कहीं से भी आप चाहें वहाँ से भी खुला छोड़ सकते हैं ये देखिए अभी गाइस हमने क्या करना है जैसे कि मैंने इसका माउथ बनाया है तो वो पिंक कलर में ओपन माउथ होता है जो डॉल्फिन का ये मैंने ओपन माउथ बनाया है तो इस तरीके से आपने क्या करना है दोनों पिंक कलर के पार्ट को सेंटर से स्टिचिंग कर देना है एक दूसरे के साथ सेंटर से बिल्कुल आपने यानी कि दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है ये देखिए उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं ये स्टिचिंग होने के बाद ये देखिए पूरा आपने पहले से स्टिच कर लेना है ये देखिए ये, ये जो माउथ है जो हमने पिंक कलर के पार्ट को दोनों को एक दूसरे स्टिच किया था आप लोग देख सकते हैं इसे आपने इस तरीके से उल्टा रखते हुए ये देखिए इस तरीके से वाइट और जो स्काई कलर का पार्ट है उसमें हमने इसको स्टिचिंग करना है इस तरीके से आपने ये जो जॉइंट जो देख रहे हैं ना गाइस ये आपको बिल्कुल सेंटर में ही आना चाहिए ये देखिए पूरा इस तरीके से घुमाते हुए स्टिच करना है ये कपड़ा उल्टा आना चाहिए गाइस ये देखिए गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमने पूरी डॉल्फिन को स्टिचिंग कर लिया है जैसे अभी हम इसको फिल कर लेते हैं गाइस पूरी को हम फिल कर लेंगे यहाँ से हमने जहाँ से ओपन छोड़ा था वहाँ से हम फिल कर लेंगे इसको ये देखिए गाइस फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं डॉल्फिन का कितनी प्यारी लग रही है और कितनी क्यूट लग रही है मुझे ये डॉल्फिन बहुत ज्यादा पसंद आई और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और डॉल्फिन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा अभी मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में गाइज बाय